हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे सो पंजाब मिनट भी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो अज गल करांगे इंटरस्टिंग फैक्ट्स बारे, सो कुछ और डूंगियां जानकारियां जो शायद थानू पहला नहीं पता होणगियां। सब तो पहला गल करते हैं फुटबाल दे, पूरी दुनिया च बहुत बड़े प्रशंसक ने ते हो सकदा थोड़े विचों भी बहुत सारे होणगे, पर की थानू पता है कि सब तो ज़्यादा मैनुफैक्चर फुटबाल किहड़ा देश करदा है? सो तुसी जान के हैरान हो जाओगे, साडा गुआंढी देश पाकिस्तान पूरी दुनिया विच सब तो ज़्यादा फुटबाला बनाउंदा है, वह भी हैंडमेड, जिथों दुनिया दियां 70% फुटबाला बनाईयां जांदियां ने। सो पिछली वीडियो विच असीं दस्सिया सी कि ब्रांड न्यू आईफोन 14 तुहानूं मिल सकदा है, पर शायद तुसीं वेट करदे रह गए। मिस्टर सुमित कुमार गाजियाबाद तो उन्हां नूं यह मिल चुका है, इस तो वधिया डिस्काउंट की हो सकता है, पर पॉपुलर डिमांड ते यह दोबारा मौका आया, इस बारे तुहानूं अगे वीडियो विच पता लगेगा। पाकिस्तान हर साल 4 करोड़ तो वध फुटबाल मैनुफैक्चर करता है, तो पाकिस्तान का सियालकोट सब तो वध फुटबाल बनाने वाला शहर मनिया जाता है, जो चीन नूं भी पिछे छड़दा है, जबकि चीन विच मशीन मेड फुटबाल बनाईयां जांदियां ने ते पाकिस्तान विच हैंडमेड, जो कि क्वालिटी दे मामले विच मशीन वालियां फुटबालां तों वधियां हुंदियां ने। ते तुहानूं दस दईए कि जो फुटबाल पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप विच वरती गई सी उह चार्ज हुंदी है। हां जी, अल रीला नाम दी इह फुटबाल चार्ज हुंदी है, पर क्यों? असल विच इस दे अंदर हवा दे नाल नाल दो सेंसर भी ने, इक छोटा सेंसर है जो उह आउटर सरफेस नाल कनैक्टड है, ते दूजा बड़ा सेंसर फुटबाल दे विचकार लग्या होया है। यह फुटबाल एडिडास कंपनी दी सेमी ऑटोमेटेड एआई टेक्नोलॉजी वाली फुटबाल है। यह फुटबाल थर्ड अंपायर नूं बहुत सारे मुश्किल डिसीजन लैण विच मदद करती है, जिवें कि स्पीड, डायरेक्शन, हल्के तो हल्का टच ते होर कई तरह के मेजर करती है। सो अगे गल करदे आं आईएएस दा किन्ना खौफ हुंदा है, यह इत्थों अंदाजा लाया जा सकता है कि एक फर्जी आईएएस भी पूरा सिस्टम हिला सकता है। सो गल करदे आं अहमदाबाद दे करण पटेल दा जदों मन बनिया कश्मीर घूमण दा, तां उसने फोन करके दस्सिया कि ओह पीएमओ विच अडिशनल डायरेक्टरेट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर दे ऑफिस विच, ते ओह कश्मीर टूरिज्म नूं बढ़ावा देण लई आ रहे ने। बस इन्ने विच ही पूरा सिस्टम उस बंदे दी आओ भगत विच लग गया, मतलब हुण उस नूं सब सुविधावां मिल रहियां सी, बुलेट प्रूफ कार, जेड प्लस सिक्योरिटी, ते जेकर किते पैदल जाणा तां पूरी सीआरपीएफ दी कवर। सो महंगे होटलां दे नाल नाल स्टेट गैस्ट दे तौर ते ग्रैंड पैलेस विच रहना, ते लगातार 2 SDM उस दी आओ भगत विच लगे रहिंदे सी, ते इह बंदा इन्ना कॉन्फिडेंट सी कि इसने इस तरह एक बार नहीं बल्कि 3 बार इस तरह कीता, ते सिस्टम नूं भणक तक नहीं लग सकी कि इह बंदा फर्जी है, नकली आईएएस है, क्योंकि उसने अपने आप नूं मेंटेन ही असली आईएएस वर्गा कीता होया सी। सो फिर एक रियल आईएएस बडगाम दे डीसी फकरुद्दीन हमीद नूं उन्हां ते शक होया, सो उन्हां ने फिर पीएमओ तो वेरीफाई करवाया, तो उस तो बाद जाके पता लग्या कि ये बंदा फर्जी है। सो होर ता होर करण पटेल दी फैमिली दे नाल पीएम मोदी दी फोटो है, ते देश दे गृह मंत्री दे नाल इस बंदे दी सेल्फी सी, हो सकदा ये एडिट होवे, पर ये भी हो सकदा कि ये असली होवे। सो होण नूं ता बहुत कुछ हो सकदा है, पर हुण ये नकली फर्जी बंदा जेल दे विच है। सो खातरदारी इत्थे भी हुंदी है, पर ओ खातरदारी ते इस खातरदारी विच फर्क बहुत है। सो अगे गल करदे आ, जेकर तुहानूं पुछिया जावे कि 1 लीटर पेट्रोल महंगा हुंदा है जां 1 लीटर डीजल, तां इसदा जवाब तां बच्चा भी दे देवेगा कि 1 लीटर पेट्रोल महंगा हुंदा है, पर असल विच 1 लीटर डीजल नूं तैयार करन लई 1 लीटर पेट्रोल नालों ज़्यादा खर्च आउंदा है, पर फिर भी इस नूं पेट्रोल नालों सस्ता किवें दित्ता जांदा है? असल विच 1 लीटर डीजल नूं रिफाइन करन दी कीमत 1 लीटर पेट्रोल तो ज़्यादा आउंदी है, पर फिर भी यह पेट्रोल तो सस्ता क्यों मिलता है? इस दे पिछे दा कारण यह है कि सरकार इस नूं अफोर्डेबल बनाउणा चाहुंदी है, क्योंकि डीजल ज़्यादातर इंडस्ट्री ते वड्डे व्हीकलां विच वरत्या जांदा है, इस दे सस्ते होण कारण कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सस्ता ते टिकाऊ रहिंदा है, जिस कारण सारियां चीज़ां ते असर पैंदा है। जे डीजल दा रेट वध गया ता पूरी मार्केट ही बढ़ जाएगी, सो इस करके सरकारां इस ते टैक्स थोड़े घट लैंदियां ने पेट्रोल दे मुकाबले। कहण दा भाव है कि डीजल नूं पेट्रोल तो सस्ता रख्या जांदा है, ना कि उह असल विच सस्ता है। सो अगे गल करदे आं कि तुहानूं पता सी कि बास्केटबॉल नूं बास्केटबॉल ही क्यों कहा जांदा है? इस बारे बहुत घट लोकां नूं पता होवेगा।
सो असल विच जदों ये गेम शुरू हुई सी उस समय बॉल नूं बास्केट विच ही पाया जांदा सी, मतलब बाल्टी दे विच ही पाया जांदा सी, मतलब डंडे उत्ते एक बाल्टी फिट कीती जांदी सी ते एक दो बंदियां दी ये जॉब हुंदी सी कि वो उत्ते जाके बास्केट विचों बॉल कढ के दिंदे सी। ये सिस्टम पूरे 18 साल तक चलिया। ये तो हुई बास्केटबॉल ते बास्केट दी गल, पर फिर 18 साल बाद किसी एक बंदे दी बास्केट थल्लों टुट गई ते जदों उसने बॉल पाई तो वो अपने आप नीचे आ गई, जिस तो बाद एक कमाल दे आईडिया दा जन्म होया। इस आईडिया तो उत्थे बैठे सारे लोग खुश हो गए ते उन्होंने ये आईडिया नूं वरत भी लिया, पर इस गेम दा नाम उन्होंने इस तो बाद भी बास्केटबॉल ही रख्या। ते जिथे इस आईडिया नाल बहुत सारे लोग खुश होए उत्थे कुछ लोग इस चीज दा विरोध भी करदे सी, जिन्हां दीआं जॉबां गईआं बास्केट विचों बॉलां कढ़ण दीआं, क्योंकि हुण बास्केट विचों बॉल कढ़ण दी जरूरत नहीं सी, बॉल अपने आप थल्ले आ रही सी। ते इस तरह फिर हौली हौली बास्केटां थल्लों कट्टणियां शुरू हो गईआं। सो हुण गल करदे आ ब्रांड न्यू आईफोन 14 तुहानूं ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੀਕਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਰੇਜ਼। ਸੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ T20 ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਬੰਗਲੌਰ ਵਰਸਸ ਮੁੰਬਈ, ਪਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮਾਈ 11 ਸਰਕਲ ਐਪ ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗਿਵਅਵੇ ਕੰਟੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਤੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 14, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਸਿਰਫ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਗਾ ਕੰਟੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਤੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ 20% ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਅਲ ਕੈਸ਼ ਤੇ 1500 ਦਾ ਬੋਨਸ ਕੈਸ਼। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਸੀਨੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਰੇਨ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਰੇਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਟੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲੱਚ ਦੱਬਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ 0 ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਵੇਟਲੈਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ, ਲੱਤਾਂ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਫਲੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਟਿਕ ਨਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਨਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਏ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਡੋਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜਨ ਲੌਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
इन्हां कोल कोई पैसा नहीं ते ना ही कोई किसी देश की नागरिकता है। ये ज्यादातर समुद्र उत्ते निर्भर रहिंदे ने जिस करके इन्हां दा शरीर इस तरह का बन गया है कि यह बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर तो 15 मिनट तक पानी विच भी रह सकदे ने। साडे शरीर विच सैपलीन नाम का एक अंग हुंदा है। आम लोगों के स्पलीन नालों इन्हां दा स्पलीन आकार विच वड्डा हुंदा है ते यही अंग इन्हां नूं इन्ने लंबे समय लई साह रोकण विच मदद करदा है। सो इस करके ही कहा जाता है कि कुदरत ने सारे लिए कुछ ना कुछ सोच रख्या हुंदा है। सो अगे गल करदे आ, जेकर इंसान ने मौत तो बचना होवे तां उस नाल जिन्नी मर्जी वड्डी घटना हो जाए उसने बच ही जाना है। सो इस तरह ही थोनों एक अजिही घटना बारे दसदे आ जिथे उड़दे जहाज विचों एक औरत डिग के भी बच गई। जिवें कि 1972 विच वेसना वॉल्विक जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट सी ते जदों इसका जहाज 33,000 फुट की उचाई से उड़ रहा सी उस समय जहाज विच धमाका होया ते धमाका होने तो बाद यह औरत 33,000 फुट तो थले डिगी। इन्नी उचाई तो डिगण कारण उसके शरीर दियां लगभग सारियां हड्डियां टुट गईयां पर उसकी जान फिर भी बच गई क्योंकि धरती ते वह मोटी बर्फ से डिगी सी ते जिस तो बाद इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक विच लिखा गया क्योंकि वह पहली औरत सी जो 33,000 फुट की उचाई तो डिग के भी बच गई। ते ये हादसे तो बचण तो बाद इसकी मौत 23 दिसंबर 2016 विच हुई। सो इस करके ही कहा जाता है जाकू राखे साइया मार सके ना कोई। सो अगे गल करदे आ स्पेस विच इंसान की हमेशा तो ही रुचि रही है ते स्पेस नूं जानन लई इंसान कुछ ना कुछ करता रहिंदा है ते तुहानूं जान के हैरानी होवेगी ते बहुत जणियां नूं खुशी भी कि हुण धरती तो 10,000 लाइट ईयर दूर शराब का एक विशाल बदल मिलिया जो कि साडे सूरजी सिस्टम नालों 1,000 गुणा वड्डा है ते इस विच लगभग 400 ट्रिलियन अलकोहल है। यह अलकोहल का बदल स्पेस विच तैर रहा है। इस विच मैथनॉल ते एथनॉल दोने तरह की अलकोहल है। सो तुहानूं दस दी कि साल 2022 विच 272 बिलियन लीटर पूरी दुनिया विच अलकोहल की खपत हुई है पर यह इकला बदल ही उस तो 1,000 गुणा ज्यादा वड्डा है। पर सोचण वाली गल तो यह है कि इस तक पहुंचा किवें जावे ते पीण वालियां नूं दस दी कि हले तुहानूं ठेके तो लैके ही पीनी पवेगी क्योंकि इन्नी दूर जाना हले संभव नहीं है। सो लास्ट विच गल करदे आ साडा जीवन एक पेन वर्गा है। इस दी स्याही खत्म होने तो पहला पहला तुसीं आप दी चंगी कहानी लिख लवो ते इस दे नाल ही तुहानूं दस दी कि तरक्की दी साडे लोकां नूं बहुत जरूरत है पर उसनूं असीं डिजर्व नहीं करदे। सो ये बहुत डूंगी लाइन है क्योंकि सानूं स्मार्ट सिटी तो पहला स्मार्ट ते जिम्मेवार सिटीजन बनना पवेगा तां ही सिटी स्मार्ट रह पावेगी। कि तुसी एक जिम्मेवार ते स्मार्ट सिटीजन हो या फिर तुसी भी गंद पाउण विच पूरे कलाकार हो। क्यों असी बाहरली कंट्री विच जाके रूल फॉलो करदे आ। बाहरली कंट्री तां दूर दी गल आ, असी चंडीगढ़ जाके ही बेल्ट ला लैने आ ते हाई बीम भी थल्ले कर लैने आ पर इह उत्थे ही क्यों। जिस दिन हर नागरिक यह चीज सोचनी शुरू कर देवेगा उस दिन तरक्की होनी है। सो जेकर थानू यह इनफॉर्मेशन वधिया लगी तां एक शेयर जरूर कर दिओ, तुहाडे एक शेयर नाल बहुत वड्डा प्रभाव पैंदा है। सो हर रोज़ मोटिवेशन दा डोज़ लैण लई सानू फेसबुक इंस्टाग्राम ते ट्विटर उत्ते फॉलो कर लियो ते नवे दोस्तों नूं बेनती है कि हो सके तां चैनल सबसक्राइब कर लियो ते नाल दी नाल बैल दा बटन जरूर दब लियो तां जो साडी नवीं वीडियो तुहाडे कोल सब तों पहलां पहुंच सके। थैंक यू, धन्नवाद।